डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए सभी को जागरूक रहना आवश्यक है, विशेषकर वर्षा ऋतु के समय कीट व जल जनित बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इनके प्रति सतर्क रहें और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करें। ये बातें महापौर प्रसाद ने पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में आयोजित डेंगू व जल जनित रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय जनप्रतिनिधिगणों जन सेवकों की लोक स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए संवेदीकरण कार्यशाला में कही। कार्यशाला जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। महापौर ने कहा कि इन बीमारियों से बचने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है, हम सभी जनप्रतिनिधि भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लोगों को इस दिशा में जागरूक करें। आज नगर पालिका निगम कोरबा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा बरसात के मौसम में डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों से रोकथाम के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें कार्यक्रम में हमारे सभी नगर पालिका निगम कोरबा के पार्षद साथीगण और सभी एल्डरमैन साथी मितानिन बहनें और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और नगर निगम के भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ये उपाय सुझाए गए कि किस तरह से बरसात के मौसम में जल भराव कहीं भी नहीं होने देना है और आने वाले डेंगू मलेरिया पीलिया इस सब की बीमारियों से हम कैसे बच सकेंगे, इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से उपाय सुझाए गए। मैं सभी नगर पालिका निगम कोरबा के सभी आम जनता से, सभी सामान्य नागरिक बंधुओं से मैं अपील भी करता हूं कि बरसात के मौसम में कहीं पर भी घर में भी या सड़क में गलियों में कहीं भी पानी का जमा होता है उसे तत्काल हमारे निगम के अधिकारियों को सूचित करें और तत्काल उसकी निकासी की व्यवस्था की जाएगी और इस तरह से उपाय करके हम आने वाले डेंगू मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सकेंगे। कार्यशाला के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने डेंगू रोग से बचाव के लिए उपायों की जानकारी देते हुए बताया, डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपता है, कूलर पानी की टंकी, पक्षियों के पीने का पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायर इत्यादि इसमें शामिल है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।